यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और लखनऊ से अगली बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कैराना लोकसभा सीट पर लोकदल का समर्थन मिल गया है। तो यहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैराना लोकसभा सीट पर लोकसभा का समर्थन मिल गया है। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का लोकदल समर्थन करेगा और नूरपुर विधानसभा सीट पर सपा नहीं लड़ाएगी अपना प्रत्याशी। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही नूरपुर विधानसभा सीट दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैराना लोकसभा सीट पर लोकदल का समर्थन मिल गया है। लखनऊ से चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर के सीटों का बंटवारा हो रहा है, और उसके बाद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी को लोकदल का समर्थन मिल गया है और नूरपुर विधानसभा सीट पर सपा अपने प्रत्याशी को नहीं लड़ाएगी। और अखिलेश सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, लोकदल का समर्थन मिल गया है समाजवादी पार्टी को और इसी के साथ नूरपुर से भी प्रत्याशी नहीं लड़ाएगी सपा? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जिस तरह की सियासी गणित और रणनीति तैयार की जाती है, उसी के मद्देनजर अब कैराना लोकसभा के सीट के उपचुनाव और नूरपुर उप विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जो सियासी रणनीति लखनऊ में चल रही है, अब उसमें नया अपडेट के तौर पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने कैराना लोकसभा सीट है वो अपने खाते में लेते हुए अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। और वहां पर राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर जयंत चौधरी से जब मुलाकात हुई थी, तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि जो कैराना सीट पर अक्सर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ा करता है वो सीट समाजवादी पार्टी के खाते में रहेगी, वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ये उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का भी अखिलेश यादव को कैराना लोकसभा सीट पर समर्थन रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी यानी मायावती कभी भी उपचुनाव में हिस्सा नहीं लिया करती, यानी वो अपना कैंडिडेट नहीं उतारती। दूसरी सीट उपचुनाव नूरपुर विधानसभा का है, तो वहां पर अखिलेश यादव ने बदले में राष्ट्रीय लोकदल के जो उपचुनाव होगा विधानसभा सीट का, वो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में दे दिया है। अभी आधिकारिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं की गई, ये उम्मीद की जा रही है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच में सहमति बन गई है कि कैराना लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी लड़ेगी और राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा नूरपुर उप विधानसभा चुनाव का लड़ा जाएगा। अखिलेश, इस सौदेबाजी के बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है, तो कितनी मुश्किलें बढ़ सकती है बीजेपी के लिए? बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का वोट बैंक कहा जाता है, राष्ट्रीय लोकदल की वहां पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस लिहाज से बहुजन समाज पार्टी का भी वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी हद तक माना जाता है। तो इन दो समीकरणों में ध्यान रखा जाए तो ये कैराना लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को जीतना आसान हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल दोनों अगर समर्थन करते हैं तो समाजवादी पार्टी की नैया यहां पार लग सकती है। हालांकि लोकसभा सीट पर जो उपचुनाव होता है वो भाजपा के खाते में थी, वहां पर हुक्म नारायण सिंह वहां पर सांसद थे, जिनके भी इंतकाल होने के बाद वो सीट खाली हुई थी, तो भाजपा भी प्रतिष्ठा के तौर पर अपनी सिटिंग सीट मानकर पूरी ताकत झोंकेगी। लोकसभा चुनाव के लिए तकरीबन एक साल का समय बचा है, तो क्या ये खतरे की घंटे साबित हो सकता है बीजेपी के लिए? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार इस कैराना सीट को देखा जा रहा है, उस कैराना सीट से इस 2019 के लोकसभा चुनाव के माहौल को देखा जाएगा, क्योंकि जब ये गोरखपुर की उपचुनाव सीट जब समाजवादी पार्टी जीती, फूलपुर की लोकसभा उपचुनाव सीट भी समाजवादी पार्टी जीती, तो एक बार ऐसी लहर बनी थी कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के एक दूसरे के सहयोग से इन दोनों सीटों पर जीत मिली है, उसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखाई देगा। और अगर अब एक साल के करीब लोकसभा के उपचुनाव का आम चुनाव का जो समय बचा है, उस चुनाव के मद्देनजर अगर कैराना सीट समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रहती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में माहौल बनता जरूर दिखाई देगा। जी अखिलेश, तो क्या ये समझा जा सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में सपा बसपा और लोकदल एक साथ चुनाव लड़ेंगे? ये तो पहले से उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि अभी गोरखपुर उपचुनाव हुआ था, फूलपुर उपचुनाव हुआ था, वहां खुले तौर पर
समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, पीछे से बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया था, राष्ट्रीय लोक दल ने समर्थन दिया था जब उपचुनाव, और कई छोटे छोटे दलों ने भी फूलपुर और गोरखपुर की उपचुनाव में जब समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया था तो वहीं से माना जा रहा था कि अब जो भी उपचुनाव होंगे उनमें इन बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ इन छोटे छोटे दलों का भी समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलेगा जो 2019 के लिए एकजुट हो रहे हैं। और इस कैराना लोकसभा सीट और नूरपुर विधानसभा सीट पर जो चुनाव होने जा रहे हैं तो लोकसभा सीट कैराना वाली पर समाजवादी पार्टी को इन सभी का समर्थन रहेगा और वही उम्मीद की जा रही है कि नूरपुर विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय लोक दल को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का समर्थन मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैराना लोकसभा सीट पर लोक दल का समर्थन मिल गया है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है क्योंकि पार्टियां जो हैं वो एकजुट हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये देखा भी जाता है कि यूपी में पहले से ही सपा और लोकदल का जो है काफी दबदबा देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कैराना से, जहां पर लोकसभा सीट पर लोकदल का समर्थन मिल गया है।